क्या 32 साल के केएल राहुल ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया? क्या अब केएल राहुल क्रिकेट में खेलते नजर नहीं आएंगे? केएल राहुल ने ऐसा क्या इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया? क्या सच में अब केएल राहुल क्रिकेट छोड़कर संन्यास ले रहे हैं? भारतीय टीम अभी कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रही। अब टीम को सीधे 19 सितंबर को टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। इसी वजह से ज़्यादातर भारतीय प्लेयर्स दिलीप ट्रॉफी में लगे हुए हैं। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर केएल राहुल हाल ही में श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में शामिल थे, वहीं T20 टीम में उन्हें जगह नहीं मिली। अब सोशल मीडिया पर एक केएल राहुल का एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनके संन्यास की अटकलें लगाई जा रही हैं। आइए जानते हैं क्या है इस पोस्ट की पूरी सच्चाई। कई लोगों ने केएल राहुल के बयान के साथ एक ऐसी पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा है कि बहुत सोचने और विचारने के बाद मैंने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने का फैसला किया है। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि खेल कई सालों से मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है और मैं अपने करियर के दौरान अपने परिवार, दोस्तों, टीम के साथियों और फैन से मिल के समर्थन और प्रोत्साहन के लिए बहुत आभारी हूँ। मैदान पर और बाहर जो अनुभव और यादें मैंने हासिल की वो वास्तव में अमूल्य हैं। मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए और इतने सारे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ खेलने पर सम्मानित महसूस करता हूँ। हालांकि मैं आगे आने वाले नए अध्याय को लेकर उत्साहित हूँ, लेकिन मैं खेल में बिताए गए समय को हमेशा याद रखूँगा। इस अविश्वसनीय यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसा एक दावा किया जा रहा है कि ये पोस्ट केएल राहुल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से शेयर की है। केएल राहुल ने 19 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे एक ऐलान करना है, अपडेट के लिए बने रहें। बस इसके बाद तो सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर शुरू हो गया। सभी इसे स्टार क्रिकेटर केएल राहुल के संन्यास से जोड़कर देखने लगे, जबकि राहुल ने इसके बाद इंस्टाग्राम पर दूसरी स्टोरी मेहंदी फंक्शन की लगाई, जिससे साबित हुआ कि उनका संन्यास लेने की बात पूरी तरह से फर्जी है। ना तो उन्होंने संन्यास लिया और ना ही ऐसी कोई ऐलान किया। केएल राहुल दिलीप ट्रॉफी में खेलते हुए नजर जरूर आएंगे, जहां उन्हें भारत ए टीम की जगह मिली, वहीं भारत ए टीम के कप्तान शुभमन हैं। यहां पर राहुल अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे ताकि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में उनकी जगह पक्की कर सके। राहुल ने भारतीय टीम के लिए तीनों ही फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेला है। उन्हें 50 टेस्ट मैचों में 2,863 रन, 77 वनडे मैचों में 2,851 रन और 71 T20 इंटरनेशनल में 2,265 रन बनाए हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।